नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मोदी सरकार चंदा जुटाने के लिए एजेंसियों से कार्रवाई करवाती है और चंदा जुटाती है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वित्तीय वर्षों में कई कंपनियों ने जांच एजेंसियों के छापे के बाद भाजपा को लगभग 335 करोड़ रुपए चंदा दिया है। कुछ मामलों में छापे के बाद चंदे की राशि में बढ़ोतरी भी हुई है। उन्होंने कहा कि ईडी सीबीआई से धमकी देकर हफ्ता वसूली की जा रही है, ब्लैकमेल की राजनीति की मिसाल है ये। जयराम रमेश ने सवाल किए हैं कि क्या आप हफ्ता वसूली पर श्वेत पत्र प्रकाशित करेंगे कि आपकी पार्टी को कहां कहां से चंदा मिला है। दूसरा, अगर आप दावा करते हैं कि आपका फाइनेंसिंग पारदर्शिता से होता है, अगर ये बात सही है तो चुनाव आयोग की वेबसाइट से जानकारी ली गई है, क्या आप खंडन करेंगे उसका कि इसके खिलाफ कार्रवाई हुई, उससे चंदा नहीं मिला। अगर आपकी नीयत साफ है, क्या आप सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मॉनिटर्ड जांच को स्वीकार करेंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, ये हफ्ता वसूली पार्टी और सरकार है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। ताकि वो किसी भी हालत में सत्ता में वापस आ जाएं तो कुछ भी करने को तैयार है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने किसानों के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि पहले नारा था जय जवान जय किसान, लेकिन इन प्रधानमंत्री का नारा है जेल जवान जेल किसान। उन्होंने कहा कि परेशानी में है मोदी सरकार बौखलाई हुई है, वो जान गई है कि सत्ता में उनकी वापसी मुश्किल है। ये कई वजह हैं कि कांग्रेस पार्टी के खाते को बंद करना, निजी कंपनियों से धमका कर पैसे ले रही है भाजपा। केंद्र और किसानों के बीच गतिरोध जारी है। संयुक्त किसान मोर्चा ने इस बीच गुरुवार को घोषणा की कि वो अपनी मांगों के समर्थन में कई कार्यक्रमों के साथ देश भर में किसानों को एकजुट करेगा। बता दें, SKM किसानों का एक प्रमुख संगठन है जिसने 2020-21 के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। पंजाब और हरियाणा के खनौरी सीमा पर 21 वर्षीय शुभकरण सिंह की हत्या के एक दिन बाद यहां SKM की बैठक आयोजित की गई। संयुक्त किसान मोर्चा फिर से एक्शन में आ गया है। संगठन ने गुरुवार को 6 सदस्यों की एक समिति बनाई है जो इससे पहले हुए किसान आंदोलन में उतरने वाले संगठनों से चर्चा कर बीते दिनों विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों की मांग को लेकर एक एक्शन प्लान बनाएगी। इस समिति में हन्नान मुल्ला, जोगिंदर सिंह उग्रहा, बलबीर सिंह राजेवाल, युद्धवीर सिंह, दर्शन पाल और रामेंद्र पटियाला शामिल हैं। जय किसान आंदोलन के राष्ट्रीय संयोजक अभिक शाह ने बताया, हमने समिति के सदस्यों पर यह छोड़ा है कि वो उन सभी किसान संगठनों से चर्चा करें जो पहले संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा थे और उन्हें एक साथ लेकर आए। पंजाब हरियाणा सीमा पर 22 वर्षीय किसान शुभकरण सिंह की मौत के 2 दिन बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मृतक के परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। इसके साथ ही भगवंत मान ने कहा कि दोषियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी, वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। हरियाणा के अम्बाला पुलिस ने पहले पत्र जारी कर आंदोलनकारी किसानों के खिलाफ NSA लगाने की बात कही, फिर शुक्रवार सुबह कहा कि उनके खिलाफ NSA लागू नहीं किया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि पुलिस ने अभी तक किसान नेताओं के खिलाफ NSA लागू नहीं किया है और केवल इसके लिए प्रक्रिया शुरू की है। पुलिस ने यह भी बताया कि अब तक इस आंदोलन के दौरान अलग अलग कारणों से कितने पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है और कितने पुलिसकर्मी घायल हैं। हरियाणा पुलिस के मुताबिक आंदोलन के दौरान 30 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। 2 पुलिसकर्मियों की मौत हरियाणा में हुई है, 1 को ब्रेन हेमरेज हुआ है। वे आंदोलन के दौरान पंजाब में ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी की जिम में मौत हुई है। हरियाणा के अम्बाला जिले की पुलिस ने कहा है कि वो किसान आंदोलन के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों को हुई नुकसान की भरपाई आंदोलनकारियों की संपत्तियों की कुर्की और उनके बैंक अकाउंट को सीज करके करेगी। गुरुवार देर रात को अम्बाला पुलिस ने बयान जारी कर बताया, शंभू बॉर्डर पर किसान संगठनों के दिल्ली कूच को लेकर बैरिकेड तोड़ने के हर प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस पर पत्थरबाजी और हुड़दंगबाजी करके कानून व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आंदोलनकारियों द्वारा सरकारी और निजी संपत्तियों को किए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। प्रशासन ने पहले ही सतर्क किया था कि आंदोलन के दौरान सरकारी निजी संपत्तियों को हुए नुकसान की भरपाई आंदोलन करने वालों को संपत्ति और बैंक अकाउंट को सीज करके की जाएगी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लिए औपचारिक सीट बंटवारे की घोषणा कर दी। इसके एक दिन बाद ऐसे संकेत हैं कि कांग्रेस पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों में भी गठबंधन कर सकती है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी से भी कांग्रेस की सीट बंटवारे पर बात लगभग बन गई है। दिल्ली, हरियाणा और गुजरात के लिए आम आदमी पार्टी के साथ सीट बंटवारे का समझौता अंतिम चरण में है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में भी सफलता विपक्षी गुट के लिए एक बड़ा मनोबल बढ़ाने वाली हो सकती है, जो पिछले महीने नीतीश कुमार के NDA में जाने और TMC प्रमुख ममता बनर्जी की दुविधा से झटका लग रहा था।
हालांकि कहा जा रहा है कि कांग्रेस तृणमूल वार्ता जो पूरी तरह से टूट गई थी पिछले एक सप्ताह में फिर से शुरू हो गई है। इसके अलावा बिहार में भी इंडिया ब्लॉक के सहयोगियों के बीच सीटों का बंटवारा जल्द ही होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग पर बातचीत फाइनल हो गई है। इस बीच महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर एमबीए की 28 फरवरी को अहम बैठक होनी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस संबंध में उद्धव ठाकरे और शरद पवार से फोन पर बातचीत की है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि खबर है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाएगा। आपने कहा कि जैसे ही इंडिया अलायंस में सहमति हो गई, कांग्रेस और आप में सहमति बन गई है, अचानक दो बातें हुई। पहला, पुख्ता सूत्रों से पता चला कि ईडी ही नहीं सीबीआई भी अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करने को कदम बढ़ा रही है। दूसरा, यहां तक जानकारी है कि सीआरपीसी 41A का नोटिस आजकल में केजरीवाल जी को भेज दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने दावा किया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को धमकी मिली है कि 3-4 दिन में अगर आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन नहीं छोड़ा तो उनको सीबीआई और ईडी गिरफ्तार कर लेगी। चुनाव आयोग ने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार या एनसीपी शरद चंद्र पवार को नया चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया है। गुरुवार को मिले इस चुनाव चिन्ह में तुरहा बजाता हुआ आदमी दिख रहा है। चुनाव आयोग से ये मिलने के बाद अब एनसीपी शरद चंद्र पवार का चुनाव चिन्ह तुरहा बजाता आदमी ही होगा। मराठी भाषा में इसे तुतारी कहा जाता है। इसी के साथ पार्टी अब लोकसभा चुनाव में उतरेगी। आयोग की ओर से ये चुनाव चिन्ह देने पर शरद पवार ने इसका स्वागत करते हुए कहा है कि हमारे लिए गर्व की बात है। सत्यपाल मलिक के यहाँ छापेमारी के बाद सत्यपाल मलिक ने कहा है कि पैर में हुए संक्रमण का उनका इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा कि गुरुवार को उनके घर पर सीबीआई ने जो छापा मारा है वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जिस किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के सिलसिले में उनके घर पर छापा डाला गया है उसमें वो असल में विसिल ब्लोअर और शिकायतकर्ता थे। मलिक ने कहा कि 4 दिन पहले उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन शायद सीबीआई को इस बात की जानकारी नहीं थी, इसलिए वो दिल्ली स्थित उनके आवास के साथ साथ उनके कुछ रिश्तेदारों और परिचितों के यहाँ पहुँच गई। उन्होंने कहा कि ये वही किरू मामला है जिसमें मैंने कहा था कि मुझे 150 करोड़ रुपये की रिश्वत देने की कोशिश की गई थी, लेकिन मैंने फाइल पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। लेकिन मैंने जिन गुनहगारों के नाम लिए थे उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय सीबीआई ने विसुल ब्लोअर के खिलाफ ही कार्रवाई करने का फैसला किया। छापेमारी को लेकर सत्यपाल मलिक ने कहा है कि इसका नाता आगामी लोकसभा चुनावों से है। वो बोले, सरकार अपने आलोचकों को चुप कराना चाहती है और बीते एक साल से मैंने किसान आंदोलन को लेकर जिस तरह से सरकार से सवाल पूछे हैं सरकार को वो पसंद नहीं है। सत्यपाल मलिक ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, मैं 4 राज्यों में राज्यपाल रहा, जम्मू कश्मीर के बाद 2 राज्यों के राजभवन में कार्यभार संभाला, क्या मैं इस तरह के भ्रष्टाचार का हिस्सा बनूंगा? अगर मैं वाकई में भ्रष्ट होता तो क्या केंद्र सरकार मुझे 2 और राज्यों में राज्यपाल बनाकर भेजती? ईडी ने हिंसा प्रभावित संदेश खाली गाँव में जमीन कब्जा करने के आरोप में टीएमसी नेता शाहजहां शेख के खिलाफ एक नया मामला दर्ज किया है। केंद्रीय जांच एजेंसी की कई टीमों ने उनसे जुड़े स्थानों पर तलाशी ली। इससे एक दिन पहले संदेश खाली में फिर से तनाव फैल गया था, जब निवासियों के एक समूह ने ताजा विरोध प्रदर्शन किया था और कथित तौर पर एक मत्स्य पालन के गार्ड रूम में आग लगा दी थी, जिसके बारे में उनका दावा था कि ये स्थानीय टीएमसी नेताओं द्वारा हड़प ली गई जमीन पर बनाया गया था। घटना के बाद प्रशासन ने संदेश खाली की 5 ग्राम पंचायतों के तहत 9 क्षेत्रों में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी। नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद अब तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव से पहले अपनी जन विश्वास यात्रा के साथ मैदान में उतरे हैं। 22 फरवरी को उन्होंने बक्सर में रात्रि प्रवास करने से पहले आरा भोजपुर में 9वीं रैली को संबोधित किया, जहां से वो शुक्रवार को बक्सर के किला मैदान में अपनी यात्रा फिर से शुरू करेंगे। सीवान में रैली को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने भाजपा को कूड़ादान करार दिया और उसके गठबंधन सहयोगियों को कूड़ा कचरा बताया। हर रैली में वो बीजेपी जेडीयू सरकार के 17 साल और राजद की 17 महीने की सरकार के बीच तुलना कर रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा नौकरियां दी गईं। तेजस्वी यादव की रैलियों में जमकर भीड़ आ रही है, इस कारण से वो चर्चा में बने हुए हैं। मणिपुर हाईकोर्ट ने अपने उस विवादास्पद आदेश से एक पैराग्राफ हटा दिया है जिसमें राज्य सरकार को मैथिली समुदाय के लिए अनुसूचित जनजाति के दर्जे पर एक सिफारिश भेजने का निर्देश दिया गया था। हाईकोर्ट ने 17 मार्च 2023 को वो आदेश निकाला था। इसके कुछ दिनों बाद ही आदिवासी कुकी जोमी समुदाय और मैतेई के बीच
तनाव हो गया था और फिर देखते ही देखते हिंसा हो गई थी, क्योंकि जोमी समुदाय ने अदालत के निर्देश का विरोध किया था। अब जस्टिस गोलमेई गायकुल शिलू की पीठ ने कहा ये फैसला कानून की गलत धारणा के तहत पारित किया गया था। अब तक की सुर्खियों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।